हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की साल पेपर की आप बात करेंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साल्व करके आपको बताया जाएगा। यहाँ पर बात करने वाले हैं स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। उसके पहले आपको बताना चाहेंगे, आपने टेंजेंट नॉर्मल का पार्ट वन देखा होगा, पार्ट टू आपके लिए दोस्तों इससे रिलेटेड जो पार्ट टू था वही क्वेश्चन आपको बताने वाले थे, तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप देख लेंगे तो पार्ट टू आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले आपको बताना चाहेंगे, आपके लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएगा। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माई ब्लॉग करके, उसके नीचे जस्ट लिंक है, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं सभी वीडियो को, वो वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड किया, क्योंकि हमने उसमें कुछ आपको टिप्स तरीके भी बताए हैं कि कैसे आपको पेपर्स में करना होता। और बहुत ही जल्द आपके लिए केमिस्ट्री और भी वीडियो अगर आपको चाहिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करिएगा और जल्द ही आपको तो केमिस्ट्री का तो प्रोवाइड कर, क्योंकि दोस्त आपका केमिस्ट्री के लिए मैं अभी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत एनालिसिस करना पड़ता है आपको पूरा एक क्वेश्चन को समझना है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्द मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप उस वीडियो को फिजिक्स वाला देखकर उसको प्लीज शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प हो सके। दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को नीचे आपको सर्च करना है। आप जैसे टेलीग्राम पर जाएं, करंट स्टडी सर्च करें, लेकिन करंट और स्टडी के बीच बिल्कुल स्पेस ना रखें। इस पॉइंट को बार बार मैं इसलिए बार बार बताता हूँ दोस्त, कि आपको पीडीएफ फॉर्म में, वहां पर डायरेक्टली आप पीडीएफ फॉर्म में मैं देता हूँ वीडियो को, तो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो करंट स्टडी सर्च करें, दोनों के बीच स्पेस नहीं रखना है, और सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, हमारे चैनल को आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकेंगे। तो दोस्त, और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे न्यू चैनल नॉन स्टॉप न्यूज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए दोस्त उसको सब्सक्राइब कर दिए, एक कमेंट अपना प्यारा सा जय हिंद लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मेरे दोस्त किस प्रकार वहां पर अपना प्यार देते हैं। इस चैनल पर आपका बहुत प्यार मिला, ठीक उसी प्रकार पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखे। तो दोस्त, उसको जल्द ही मैं आपके लिए केमिस्ट्री का और भी पेपर्स लाने वाला हूँ, चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो बिल्कुल घबराए नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन सभी प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का ये पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन यहां दिया गया है, परवल है 3y² + 4x - y = 6 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पर्शी का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो ये टेंजेंट और नॉर्मल का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए, टेंजेंट नॉर्मल का पूरा टॉपिक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां पर आपको लिखते हैं ये दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन को ये समझते हैं कि आपको कैसे इसको पुटअप करना है। तो पहले ही आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, सिंपली इसको क्या करते हैं कि आपको समझना है कि स्पर्श रेखा के समीकरण, तो इसको हम क्या करते हैं, एक पॉइंट आपको समझना चाहिए, स्पर्श रेखा को वैसे तो आप समीकरण जानते हैं, y - y1 = dy/dx x - x1 होता है। ठीक है, जो आपका समीकरण होता है, यहाँ पर क्वेश्चन इसको हम इस प्रकार पुटअप करेंगे, आप इक्वेशन को लिखेंगे पहले 3y² + 4x - y = कितना है, 6 है, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। तो आप इसका क्या करते हैं, इसका हम करते हैं अवकलन, तो इसको लिखेंगे यहां पर सिंपली क्या करते हैं, इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आप क्या करेंगे, अवकलन करने पर, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 या कुछ भी आप डाल के इसको लिख सकते हैं कि अवकलन करने पर। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा 3, यहां पर कितना हो जाएगा, सिंपली आपका यहां पर अवकलन इसका करेंगे तो ये आपका यहां पर 3 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2y, ठीक है, 2y dy/dx, और इसका करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका -dy/dx = 0, यहाँ पर सिंपली आपने डिफ्रेंशिएट करा, आएगा आपका 6y dy/dx + 4 - y dy/dx = 0, इतना आपका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर dy by dx को एक साइड लेकर है कॉमन लेते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर आप एक साइड लेकर इसको क्या करते हैं कॉमन, तो ये dy by dx इधर आप लाएंगे तो ये आपका कॉमन कितना हो जाएगा, 6y - 1 = कितना, उधर उसको भेज देंगे तो -4 हो जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू कितना आ गई दोस्त, dy by dx की वैल्यू आ गई -4/6y - 1, ये आपका आ गया दोस्तों dy/dx, ये तो आपका dy/dx आया है, लेकिन आपको निकालना किस पर है, dy/dx की वैल्यू आपको पहले 1, 1 पॉइंट पर निकालना है, तो आप लिखेंगे क्या, dy/dx किस पॉइंट पर दोस्त, 1, 1 पर, ठीक है, तो आपका जहां x है वहां पर भी 1 रखना है, y है वहां पर भी 1 रखना है, तो यहां पर तो -4 हो जाएगा, और y की जगह पर आप 6 × 1 - 1, x है नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, तो आपका हो जाएगा -4/6 - 1 कितना होगा, 5, तो आपका आ गया दोस्तों dy/dx की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, -4/5,
दोस्त कितना आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, आपको हो सकता ना दिखाओ दोस्त, आपको सिंपली आपको दिख रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई माइनस फोर अपान फाइव आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, तो स्पर्शी का क्योंकि हमको वही निकालना है दोस्त, स्पर्शी का समीकरण क्या होगा ध्यान दीजिए, स्पर्शी का समीकरण क्या होगा आपको हमने बताया y माइनस वाई वन, इक्वेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वेशन आपका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका होता है फार्मूला स्पर्शी का, ये आपका फार्मूला होता है y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, यहाँ पर जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपका होगा स्पर्शी का समीकरण। तो यहाँ पर आप इसको हम पुटअप करते हैं, तो सिंपली आप जब स्पर्शी का समीकरण लिखेंगे तो आपका क्या होता है वाई माइनस वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या होगी वन होगी, चूंकि हमने वन कामा वन पॉइंट पर, किसमें दोस्त क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, वन कामा वन पर आपको स्पर्शी का समीकरण आपको निकालना है वन कामा वन पर, तो वन कामा वन क्या है एक्स की वैल्यू वन होगी, वाई की वैल्यू भी आपकी वन हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां पर क्या करेंगे दोस्त, अब आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस फोर अपान फाइव, माइनस फोर अपान फाइव इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी हुई वन, तो कंप्लीट यहां पर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फोर इक्वल टू फोर, ये आपका कंप्लीट जो आंसर आपका आ जाएगा यहां पर इसको करेंगे तो आपका सिंपली ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4x, ये प्लस 5y, ये आपका माइनस फाइव है दोस्तों, ये इधर आएगा माइनस फोर, तो माइनस नाइन इक्वल जीरो, ये आपका जो आंसर आया है ये आपका अभीष्ट ये आंसर आ चुका है, यही आपका ये कंप्लीट ये आंसर हुआ दोस्त, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण क्या हुआ 4x प्लस 5y, ये आपका 5 है, 4x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल जीरो, ये आपका आ गया है, पहले का आंसर आपका कंप्लीट यहां पर आ चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, वक्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 14 के बिंदु 3,1 पर स्पर्शी और अभीष्ट का समीकरण, दोनों इसमें स्पर्शी तथा अविलंब मतलब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपका इसमें आंसर आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको जो है पहला इसमें पॉइंट ये होगा कि दूसरा का इक्वेशन आप लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, दूसरा पॉइंट ये होगा कि आप इसमें लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, क्या लिखेंगे दोस्त एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसका आप एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करने पर, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आगे आपका 2x प्लस 5 2y, ये हो जाएगा आपका वो dy by dx, ठीक है, इक्वल टू 0, इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपली आपका इतना आ जाएगा, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 10y dy by dx इक्वल कितना 0, आपको निकालना क्या है, आपको dy by dx निकालना है, तो सिंपली ये dy by dx लिखेंगे, ये आपका उधर जाएगा माइनस 2x होगा, लेकिन यहाँ पर 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपान ये आएगा नीचे कितना 5y, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5y, ये वैल्यू किसकी आई, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई। आपको निकालना क्या है, आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स 3,1 पॉइंट पर निकालना है, उसके बाद स्पर्शी तथा अविलंब का निकालना है, तो सिंपली हमने एक टाइप का इसलिए लिखे कोई कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल ना रहे, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकालना है 3,1 पर निकालना है, ठीक है। जब 3,1 पर आप यहाँ पर निकालेंगे, जब 3,1 पर आप निकालेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे माइनस 3 यहाँ हो गया और ये हो गया y की जगह पर 1, तो आ गया माइनस 3 अपान 5, x dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3 अपान 5। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट आपको स्पर्शी का समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिंदु 3,1 पर, पहले आप लिखेंगे बिंदु 3,1 पर स्पर्शी का, किसका दोस्त पहले हम स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का जब आप समीकरण लिखाएंगे तो y माइनस वाई वन होता है, तो y माइनस वाई वन का मतलब जो 1 मतलब y1 का मतलब जो y की वैल्यू है तो 1 है, इक्वल टू dy by dx मतलब माइनस 3 अपान 5, x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 5, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x प्लस 3, 3x प्लस 9, ध्यान दीजिएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्त, यहां पर आपका 5y माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर आपका माइनस 9 या अब इक्वल में लिख सकते हैं इक्वल टू 14, ये आपका 3x प्लस 5y इक्वल टू 14, ये आपका आ गया बिंदु 3,1 पर स्पर्शी का समीकरण। अब इसी में निकालेंगे आप अभिलंब का, तो बिंदु किसका दोस्तों, बिंदु 3,1 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसका भी आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। अविलंब का समीकरण क्या होता है दोस्त, y माइनस वाई वन होता है,
ध्यान दीजिए, अभिलंब का जो समीकरण होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें वाई माइनस वाई वन तो होता है और जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो सिंपली उसका फार्मूला ये होता है वाई माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका होता है अभीष्ट किसका समीकरण दोस्तों, होता है अभिलंब का अभीष्ट समीकरण होता है। तो यहां पर सिंपली आप यहां लिख सकते हैं, यह क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है वन की वैल्यू, मतलब वाई वन की वैल्यू वन है, इंटू माइनस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आपने निकाला माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो माइनस थ्री अपॉन फाइव एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है थ्री, तो कंप्लीट ये आपका ये फाइव बाई थ्री हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू आपका ये ट्वेल्व, ये कंप्लीट आपका जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पर फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व आपका ये कंप्लीट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला, पहले आपने अभीष्ट समीकरण यहाँ निकाला है और इसके जस्ट पहले आपने निकाला था स्पर्शी का समीकरण, ये दोनों इसके कंप्लीट ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, सिद्ध करना है इसमें। तो सिद्ध करने के लिए दोस्त आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध ये करना है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है तीसरा, कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट और एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर परस्पर समकोण पर काटते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के वक्र हैं, ये वक्र हैं, तो ये कहते हैं कि आप ऐसा सिद्ध कीजिए, बताइए कि एक दूसरे को क्या, ये एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आइए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें ये होगा, पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में ये होगा आपका, देखिए आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आप इसको क्या करने हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है इस क्वेश्चन में, आपको ये डिफ्रेंशिएट, तो समीकरणों को आप पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, पहले आप इक्वेशन को हल करेंगे, पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं, ये क्या है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो ये इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, और दूसरा इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा, तो इसको पहले आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको क्या करेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, तब आप इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, सिंपली आप दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, और ये पहले को इक्वेशन हमने लिखा, दूसरे में क्या किया हमने, यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपने टू से किया तो फोर वाई इक्वल टू यहाँ पर एट हो जाएगा। सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा दोस्तों फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट प्लस एट कितना आ जाएगा सिक्सटीन, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपने एक्स स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये आपका थ्री होगा दोस्त, यहाँ पर ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर ये आपका जुड़ेगा तो कितना आएगा, ये आपका थ्री आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन अपान, सिक्सटीन अपान कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा, तो आपका इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस कितना फोर अपान, प्लस माइनस फोर अपान रूट थ्री आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई आपका प्लस माइनस एक्स अपान, प्लस माइनस कितना आ गया फोर बाई रूट थ्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालना है वाई की, तो सिंपली आप एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो वो भी प्लस माइनस में आ जाएगी, तो यहाँ पर जैसे ही आप पुट करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में आप रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स का मान रखना है तो फोर अपान रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट हो गया, तो सिंपली इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 अपान 9, ये आपका 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये आपका 16 अपान 9 इधर जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 4 वाई स्क्वायर को आपका यहाँ पर कितना होगा दोस्त, ये आपका सिंपली हो जाएगा 8 माइनस 16 अपान ये 9 है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका सिंपली यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा आपका कितना, ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 2 बाई 9, और यहाँ आपका आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू बाई थ्री, रूट टू बाई थ्री,
रूट टू वाई, यहाँ पर ये थ्री होगा दोस्त, यहाँ थ्री होगा तभी तो आपका कैंसिल होकर यहाँ पर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब आपका कैंसिल होगा तो ये आपका इधर गया, ठीक है। आपने x की वैल्यू कितना निकाला था, यहाँ पर 3 आया था, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका ये नीचे 3 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रूट टू अपार रूट थ्री ही आएगा। हाँ यहाँ पर रूट टू, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पहले आपको निकालना है, ठीक है, उसके बाद आपको x और y की वैल्यू क्या रखना है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करके रखना है। तो तीसरा इक्वेशन में क्या है यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन आपको ये दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू एट, अब इसका हम सिंपली क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका टू एक्स, ये आपका हो जाएगा कितना दोस्तों यहाँ 8y dy by dx इक्वल क्या हो जाएगा जीरो। सो सिंपली इसका आपका जो मान आ जाएगा dy by dx 1 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस एक्स अपान 4y, ये माइनस एक्स एट इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ 4 बचेगा तो अपान में आएगा, तो माइनस एक्स अपान 4y हो जाएगा। और वैल्यू किस पर निकालना है, आपको जो वैल्यू दिया गया है वो x के एक बार आप पॉजिटिव लेंगे और y को भी एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस 4y रूट 3 लेंगे और रूट 2 बाई रूट 3 लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आप इसको पुटअप करेंगे, इसको आप पुटअप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 बाई रूट 3, ठीक है, और ये 4 रूट 2 अपान रूट 2 अपान रूट 3, ये रूट 3 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 का मान आ जाएगा, कितना डी वाई बाई डी एक्स 1 का मान आ जाएगा आपका माइनस 1 बाई रूट 2, माइनस 1 बाई रूट 2 आया आपका डी वाई बाई डी एक्स 1 का। अब इक्वेशन नंबर 2 को करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 आपका कितना दिया है, इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको भी आप क्या करेंगे, इसको भी सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y dy by dx इक्वल टू 0, देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इसको कंप्लीट यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपका यहाँ इंप्लाइज रेट लगाइए dy by dx 2 हो जाएगा, ठीक है, वो इक्वेशन 1 था इसलिए 1, ये दूसरा इक्वेशन है इसलिए 2, ठीक है, इसका जो आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x अपान 2y, और यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 4 बाई कितना रूट 3, 4 बाई रूट 3 अपान 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना रखेंगे रूट 2 अपान रूट 3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना, ये रूट 3 रूट 3 कैंसिल और 2 3 से कैंसिल हो जाएगा, कुल में आके आ जाएगा इसका रूट 2, तो आपका जो आया डी वाई बाई dx 2 की वैल्यू जो आई वो आया कितना रूट 2, तो 1 का वैल्यू आपने देखा माइनस 1 बाई रूट 2 आया और 2 का देखा आपने 1 बाई कितना आया रूट 2 आया। अब क्या दोस्तों 90 डिग्री का कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कब होता है, यहां पर जब m1 m2 आपने पढ़ा होगा m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है, तो वो m1 m2 जो रेखा है वो क्या है, वो 90 डिग्री पे है, ठीक है, वो क्या है परस्पर समकोण है। तो आपने एक फार्मूला यहां पर क्रिएट होता है कि अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या दोस्तों, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, तो अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करेंगे माइनस 1 बाई रूट 2 और रूट 2 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा माइनस 1, तो इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया, यहां पर आपने सिद्ध कर दिया कि ये डी वाई बाई डी एक्स और आपका डी वाई बाई डी एक्स 1 और डी वाई बाई डी एक्स 2 ये दोनों क्या है परस्पर, आपके दोनों वक्र जो दिए गए हैं ये क्या है परस्पर समकोण पर काटते हैं, ये कन्फर्म यहां पर आपका हो गया, चूंकि इसको सॉल्व करने पर आपने यहां पर क्या किया, यहां पर सिंपली आप इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार आपका 1 बाई माइनस रूट 2 एक बार रूट 2 आएगा कितना माइनस 1, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, m1 इक्वल टू माइनस 1 कितना आ गया माइनस 1 आ गया, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट ये सॉल्व हो चुका है तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहे थे दोस्तों हो सकता है लंबा हो, लेकिन आप इसको एक दो बार लगाएंगे तो आपका कंप्लीटली ये आसान हो जाएगा, क्वेश्चन इसी टाइप के आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि आपको कैसे इसमें लगाना है। तो पहले आपको क्या करना होता है एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना, फिर आपको सिंपली यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना था डी वाई बाई डी एक्स करना था, और दोनों का डी वाई बाई डी एक्स जो निकलता है वही एम वन एम टू होता है, उसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कंप्लीटली यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4 उस स्पर्शी का समकल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, जो एक्स अक्ष के साथ क्या 60 अंश का कोण बनाती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को, यह चौथा क्वेश्चन जो दिया गया इस इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, अब क्या करते हैं इस समकल का एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्वेश्चन आपको दे एक्स के सापेक्ष आप सिंपली अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर इस क्वेश्चन में जो आपका टेंजेंट नॉर्मल है इसमें आपको मैक्सिमम आपको पहले अवकलन ही करना होता है, ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ करना है, उसी से आपका डी वाई डी एफ निकलता है, उसी आधार पर आप रेखा को निकालते हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
ये आप इसको लाएंगे इधर माइ टू कॉमन हो जाएगा, एक्स आपको इधर लाएंगे माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आपका आ गया माइनस एक्स अपान वाई। अब हमको चूंकि हमको स्पर्श रेखा का क्या निकालना है, ढाल, चूंकि हमसे कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ये एक्स अक्ष के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष आप जानते हैं ये आपका क्या है, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो एक्स अक्ष के साथ ये कितना अंश का कोण बना रही है, ये एक्स अक्ष के 60 अंश का कोण बना रही है। तो सिंपली आप समझिए यहाँ जब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रही तो मतलब ये क्या है, एक ढाल है, एक आपको यहाँ पर डी वाई डी एक्स इससे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ये टैन का मान आपको दे रहा है, कैसे, आप यह रेखा स्पर्श रेखा का ढाल क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का ढाल, जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा वो कितना होगा, m इक्वल टू टैन 60, क्यों, चूंकि ये कह रहा है x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है, इसलिए लिखेंगे आप, चूंकि आप जानते हैं जो टैन होता है वो टैन थीटा होता है, वो आपका स्पर्श रेखा का ढाल होता है, तो आप लिखेंगे टैन 60 m इक्वल टू, तो टैन 60 का मान कितना होता है, टैन 60 का मान सिंपली आप जानते हैं होता है कितना दोस्तों, रूट थ्री, कितना होता है, रूट थ्री, और टैन 60 एम इक्वल टू आपको जो डी वाई बाई डी एक्स दिया जाता है वही इसकी वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये आपका सिंपली हो जाएगा रूट थ्री इक्वल टू माइनस एक्स अपान वाई, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स वाई रूट थ्री, माइनस एक्स वाई कितना आ गया, माइनस एक्स वाई रूट थ्री आ गया आपको, y की वैल्यू माइनस एक्स वाई रूट थ्री, ये आ गई आपका किसकी वैल्यू, y की। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को यहाँ पर जब आप इक्वेशन नंबर वन में इसमें आप पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा किसकी, ये आपको जहाँ सिंपली यहाँ का करते हैं दोस्तों x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस एक्स वाई रूट थ्री को यहाँ रख देंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब आप समीकरण एक में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू फोर, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर आप क्या करेंगे, थ्री ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर बाई थ्री इक्वल टू फोर, फोर फोर कैंसिल होगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट थ्री, कितना, प्लस माइनस रूट थ्री आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है उस बिंदु का क्या निकालना होगा, आपको x की वैल्यू आ गई, आपको y की वैल्यू, दोनों आपको आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू रूट थ्री, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर अगर आप पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू और x की वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको y की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर, तो आपका रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपली आपका प्लस माइनस वन आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आपका वन आ जाएगा, किसकी, इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार आपको लेना होगा दोस्तों रूट थ्री, आपका एक बार होगा रूट थ्री कामा माइनस वन, एक होगा आपका रूट थ्री माइनस रूट थ्री कामा प्लस वन, ठीक है, एक बार प्लस वन एक बार माइनस वन, ये प्लस वन है, तो इसमें आपको स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु प्राप्त होंगे वो आपके दो प्राप्त होंगे, ठीक है, एक आपका रूट थ्री, चूंकि प्लस माइनस में इसलिए आपको रूट थ्री माइनस वन एक बार लेना होगा, एक बार आपको यहाँ पर प्लस लेना होगा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अब देखिए हमको, अब हम एक निकालते हैं जिससे रूट थ्री कामा माइनस वन पर स्पर्श रेखा का समीकरण जैसे निकालते हैं, रूट थ्री कामा माइनस वन पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, जब यहाँ पर आप स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप स्पर्शी का समीकरण निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा प्लस वन, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपने कितना निकाला था, आपने डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकाला था माइनस एक्स अपान वाई, और एक्स की वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है, एक्स की वैल्यू आपने रूट थ्री गामा माइनस वन लिया, तो ये हो जाएगा आपका दोस्त यहाँ पर आपको यहाँ डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाला था, तो यहाँ पर सिंपली आप डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस रूट थ्री अपान माइनस वन करेंगे, कुल मिलाकर आपका रूट थ्री, ये तो दोस्त आपने पहले भी डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो एम की होती है वही डी वाई डी एक्स की वैल्यू होती है, तो सिंपली आपका कितना आया था रूट थ्री आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रखा है, यहाँ पर हमने रूट थ्री एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कितनी है रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पर आप सॉल्व इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट थ्री एक्स, ये आपका रूट थ्री एक्स, और ये वाई इधर आपका आ जाएगा तो माइनस वाई, और ये आपका माइनस ये कितना है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा कितना दोस्त, ये हो जाएगा थ्री, और ये ऐड होगा तो आपका हो जाएगा माइनस फोर, तो इक्वल टू माइनस फोर इक्वल जीरो, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन था, आपको इसी टाइप्स के क्वेश्चन को लगाना होता है। अगर उसमें आपको दे दिया जाता है क्या, उसमें अगर आपसे कह दिया ढाल, तो आपको एम इक्वल टू टेन थीटा आपको लेना होता है, एम इक्वल टू जो टेन थीटा आपका होगा वही आपका ढाल होगा, वही आपकी डी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी, सिंपली आपको जो स्पर्श रेखा समकर
फंडामेंटल निकालेंगे, उसमें डी बाई डी एक्स जो वैल्यू आपको दिया जाता है उसी को आप पुट करेंगे, आपका आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझिएगा आपके लिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, आपको शर्त देखिएगा है दोस्तों कि ये दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन का अभिलंब होने की शर्त ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको शर्त ज्ञात कीजिए, मतलब आपको बताना, इसको दिखाना होगा कि आपकी जो वैल्यू आएगी इतनी आएगी इसको सॉल्व करने पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसमें कुछ आपको समझना होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन ये दिया गया है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू वन क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, इसको लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अविलंब का समीकरण यहाँ निकालने के लिए आपको दो पॉइंट पता होने चाहिए कि एक प्राचलिक निर्देशांक होता है दोस्त। तो अगर प्राचलिक निर्देशांक ये आप क्या है, ये दीर्घवृत्त है, ये क्या है, ये दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त के लिए दोस्त, दीर्घवृत्त के लिए आपको पता होना चाहिए दीर्घवृत्त के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही लगाए जाते हैं, निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं, दो निर्देशांक, एक होता है ए कॉस थीटा, एक होता है बी की वैल्यू, जो वाई की वैल्यू होती है बी साइन थीटा। ठीक है, ये आपका निर्देशांक होता है। अपर अभिलंब का समीकरण हम निकालेंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, दीर्घवृत्त के प्राचलिक यहां पर आए, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अभिलंब का शर्त बताना है, ठीक है, अभिलंब का। तो इसके लिए a cos थीटा b sin थीटा होगा, पर अभिलंब का समीकरण हमको बताना है पहले, पर अभिलंब का समीकरण। जब इसको आप समीकरण आप निकालेंगे तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, यहां पर x की जो वैल्यू है वहां पर a cos थीटा रखना होता है, जो यहाँ पर है आपको दिख रहा है, ये कहाँ रखेंगे, आपको ये x की वैल्यू दी है, ये आपको किसकी वैल्यू दी गई है, ये आपको y की वैल्यू दी गई है। तो सिंपली इसको आप सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, ए एक्स sec थीटा माइनस बी वाई cosec थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ इसको आपको करते हैं तब आएगा। लेकिन आपने कैसे दोस्त यहाँ किया, आपको ये दिया गया है, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या करना है, निर्देशांक अविलंब का समीकरण आपको निकालना है। तो सिंपली क्या करते हैं, हम Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो जो आपको दिया गया है उसी इक्वेशन में इसको पुट करते हैं और आसानी से आंसर निकालते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल जीरो, ये आपको इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया गया है, इसी में क्या करते हैं, हम इसको पुट अप करते हैं। देखिए कैसे, देखिए दोस्त इसको लिख सकते हैं Lx प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन इक्वल जी इक्वल माइनस वन, तो ये क्वेश्चन नंबर वन इसे आप लिख लीजिए। अब इसको क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर समीकरण एक और दो की तुलना करने से, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर समीकरण एक आपको कौन सा दिख रहा है दोस्त, समीकरण एक और समीकरण दो, इसको आप समीकरण नंबर एक इसको डाल लीजिए, इसको समीकरण नंबर दो डाल लीजिए, यहाँ पर इसको नहीं, ठीक है, यहाँ समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया। तो सिंपली अब क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण एक दो और तीन, ठीक है, समीकरण एक दो तीन, इसको तीन कर लीजिए, समीकरण एक दो तीन, यहाँ पर आपको क्या होगा है, हम दूसरे और तीसरे की तुलना करके यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो समीकरण दो और समीकरण तीन से, जब समीकरण दो और तीन से इसको आप कंपेरिजन तुलना करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, ये एक्स की यहाँ पर भी ये एक्स ऑफ फंक्शन, ये भी एक्स का है, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना, ये ऊपर हो जाएगा ए sec थीटा बाई कितना, ए sec थीटा बाई एल इक्वल टू माइनस बी कॉसेक थीटा बाई कितना एम बाई एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना माइनस एन। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट अब हुआ दोस्त। इसको हमको क्या करना था, यहाँ प्राचलिक निर्देशांक के रूप में लिखकर ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा, ये जब आप निर्देशांक इसमें प्राचलिक रूप में लिखते हैं तब ये अविलंब का समीकरण होता है। अगर आपको याद नहीं हुआ दोस्त, यही इसको याद कर लीजिए, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण होता है। फिर इससे आप क्या करेंगे, इस अविलंब के समीकरण से इसको तुलना करेंगे, तो इतना आप तुलना करने पर ऐसे इसको कंप्लीशन करके लिखा जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको पहले इस पॉइंट को इससे तुलना कर लेंगे, एक बार इसको कर लेंगे, तो इस पद को इससे करेंगे तो हो जाएगा ए sec थीटा अपान एल इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एन है। एक हम ले लेते हैं माइनस बी cosec थीटा अपान एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना माइनस एन,
यहां पर हमने दोनों को अलग अलग ले लिया, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक का कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कुल मिला के कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एन, कितना माइनस ए एन, इसमें क्या था दोस्तों, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस, ये माइनस था, तो माइनस ए एन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा, कितना माइनस ए एन अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में क्या होगा यल होगा, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बी एम, साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बी एम, इससे आप इसको उल्टा करेंगे तो जस्ट आपका यहाँ पर होगा बी एन अपान एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, इसको आपको उल्टा किया गया है, ठीक है, विपरीत कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। अब दोस्तों आपको पता होता है एक फार्मूला आपको पता है कि आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन, ये क्या होता है वन। अब इसी फार्मूले में यहाँ पर आप पुट करेंगे, ध्यान दीजिए इसी फार्मूले में आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, देखिए कैसे, देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है, साइन थीटा की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू है साइन थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू ये है आपका, तो आपको ये साइन और कॉस को यहाँ पर पुट करते तो ये आपको इसको रखेंगे तो बी स्क्वायर एन स्क्वायर, बी स्क्वायर एन स्क्वायर अपान एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन की वैल्यू आप रखेंगे और यहाँ पर आप क्या रखेंगे फिर कॉस की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपान एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, और इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को उधर आप भेजेंगे होल स्क्वायर को, और यहाँ पर आपका सिंपली आप नीचे कितना लिखेंगे, यहाँ ए को आप यहाँ पर रोक लीजिए, ए स्क्वायर हो गया, नीचे क्या बचा एल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और इधर आपका बच्चा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, तो यहाँ आपका है बी स्क्वायर और नीचे क्या है एम स्क्वायर, ठीक है, इसमें एन स्क्वायर कॉमन है इसको इधर भेज देंगे नीचे, इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है इसको भेज देंगे ऊपर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका कितना एन स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, कि कैसे इसको प्रूव करना था देख लीजिए दोस्त, आपको सिंपली ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये पांचवें क्वेश्चन का ये फार्मूला प्राचलिक अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस सेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को आपको क्या करना था एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन से कंपेरिजन करके आपको सॉल्व करना था, फिर दोनों को क्या करना था एक दूसरे से आपको करना था और सिंपली आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिएगा, हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो में क्लियरिटी के साथ ना दिखाऊँ उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखेगा, ठीक है, धन्यवाद।